Today's been a tragic, tragic day. NDTV's Kamal Khan, a veteran award-winning journalist known for his deep insights into Uttar Pradesh politics, his elegant language, died at his home in Lucknow this morning after suffering a sudden heart attack. Kamal was with NDTV for over three decades. He will be remembered as a legendary reporter whose work stood out for its perspective, its integrity, and the way in which he delivered hard truths with poetic dexterity. As a news anchor, Kamal was a picture of poise and expertise, and his language was famous for its trademark elegance and a draw in its own right. Here's a look back at the life and legacy of our very dear Kamal Khan. Lucknow sirf wahi nahi hai jo humne Chaudhary ka chand, Umrao jaan, Pakiza, Palki, Mere huzoor aur Shatranj ke khiladi mein dekha hai. Lucknow usse kahin aage nikal gaya hai, uski khushbu wahi hai. लेकिन लखनऊ लिबास बदल रहा है। मैं एक बार एक सरकारी अस्पताल में एंटी टिटनेस इंजेक्शन लगवाने के लिए गया। एक स्टाफ के कहने पे झाड़ू लगा रहे एक शख्स ने झाड़ू रखी और मुझे इंजेक्शन लगाने आ गया, लेकिन तभी वहाँ मौजूद डॉक्टर ने मुझे पहचान लिया और उसे भगा के कंपाउंडर से इंजेक्शन लगवाया। यहाँ ये आम बात है, जब कोई हादसा हो जाता है तो रिक्शे वाले राजू की मेडिकल प्रैक्टिस बंद हो जाती है, लेकिन मामला ठंडा होते ही फिर शुरू हो जाती है। कैफी आजमी ने कल्पना की है कि भगवान राम 6 दिसंबर 1992 को वनवास से लौट के अयोध्या पहुंचते हैं। वो कहते हैं कि राम वनवास से लौट के घर में आए, याद जंगल बहुत आया जो नगर में आए, रक्स दीवानगी आंगन में जो देखा होगा, 6 दिसंबर को श्री राम ने सोचा होगा, इतने दीवाने कहाँ से मेरे घर में आए, पाँव सरयू में अभी राम ने धोए भी ना थे कि नज़र आए वहाँ खून के गहरे धब्बे, पांव धोए बिना सरयू के किनारे से उठे, राम ये कहते हुए अपने द्वारे से उठे, राजधानी की फिजा आई नहीं रास मुझे, 6 दिसंबर को मिला दूसरा वनवास मुझे। माना जाता है कि ख्वाब मोटे तौर पे 8 तरह के होते हैं, डरावने ख्वाब, सुहाने ख्वाब, बार बार आने वाले ख्वाब वगैरह वगैरह, लेकिन ये 9वें तरह का ख्वाब है जो उधार का ख्वाब है। भले अखिलेश यादव पैसा दे के ख्वाब देखना चाहते हों, लेकिन अफसरों की काबिलियत तो देखिए, 1,000 करोड़ का ख्वाब उधार में ही दिखवा दिया है। राहुल गांधी की रैली में भारी बारिश की वजह से सब कुछ तहस नहस हो रहा है, लेकिन बहरहाल ये कांग्रेस की रैलीज में अभी तक जो हमने देखा है, ये सबसे हाईटेक रैली है जिसमें ड्रोन से शूटिंग हो रही है, तमाम क्रेन्स लगी हुई हैं, मल्टी कैम सेटअप पार्टी की तरफ से लगाया गया है। यूं तो पानी आग बुझाता है, लेकिन इस बार पहाड़ के पानी ने आग लगाई है। सब्जियों के दामों में आग, ये आग नज़र तो नहीं आती लेकिन जेब में महसूस होती है। सब्जी खाने वाले और सब्जी बेचने वाले दोनों यही कहते हैं कि ऐसी आग तो पहले कभी नहीं लगी थी, इसे बुझने में वक्त लगेगा। एक पुराना शेर है कि जीने पे जिनको पास बिठाना मुहाल था, मरने के बाद कांधे पे उनको उठा लिया, लेकिन आज के दौर में ये उलट गया है। जीने पे जिनके पास बैठते थे, मरने के बाद उनकी अर्थी को 4 लोगों का कंधा नहीं मिल रहा है, जलाने के लिए लकड़ियां नहीं नसीब हो रही हैं, और उसका नतीजा ये हो रहा है। उन्नाव के रोहतापुर से गौरव शर्मा और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। तमाम यूपी के, ईस्टर्न यूपी के जिले हैं, बलिया में, अलाहाबाद में, यहाँ पे बॉडीज इतनी ज्यादा आ रही हैं कि क्रिमेट करने में उनको मुश्किल हो रही है। चुनाव जो है वो माहौल और परसेप्शन के ऊपर लड़ा जाता है। लोकल पुलिस के लोग हैं, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी फ्यूडल डेमोक्रेसी में है। और जो ज्यादा बोल रहे हैं, यहाँ बहुत पतली पतली गलियां हैं, सीटें आती हैं अभी तक बीजेपी के पास। ये प्रदर्शन पिछले कई दिनों से यहाँ पे चल रहा है। बैठने वाले सवारों में आपस में मारपीट हो गई। जवां जवां हंसी हंसी ये लखनऊ की सरजमीं। दरअसल लखनऊ एक एहसास भी है जिसे रूह से महसूस किया जा सकता है। फिलहाल कमाल खान को लखनऊ से इजाजत दीजिए। आदाब। उनका बहुत बड़ा पत्रकारिता के क्षेत्र में योगदान रहा है। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दे और उनके परिवार के लोगों को, उनके चाहने वालों को, सभी को इस दुख की घड़ी को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। किस शेर को किन परिस्थितियों में किस समय पर कहा जाए, शायद वो हुनर ऐसे ही पत्रकार के साथ था। आज कमाल खान हमारे बीच नहीं है, हमें दुख है इस बात का। एक बहुत अच्छे पत्रकार थे जिन्हें हमने अचानक खो दिया। हम सब उनके परिवार के साथ इस दुख की घड़ी में हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस दुख को सहने की शक्ति पूरे परिवार को, उनके सहयोगी साथियों को दे।
Thank you.